शिक्षक नाम क्या है उसका अतिथि, आप हमारे मेहमान बन के आओगे तो घर पर कब्जा करेंगे क्या? मेरा आपसे आग्रह ये है कि माननीय जो हमारे अतिथि शिक्षक हैं उनको शिक्षण व्यवस्था में जहाँ पर गैप है, जहाँ शिक्षक कम है, वहाँ उनको लगाया जाता है। अब पिछले दिनों वो आए थे, हम लोगों ने बैठक की थी और उनके जो 2-3 विषय हैं महत्वपूर्ण विषय, उनको हम लोग पर काम कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं और हमारी कोशिश होगी कि अतिथि शिक्षक लगता है तो उससे पूरा एकेडमिक सेशन उससे काम कराया जाए कि वो भी हमारे एक जिम्मेदार नौजवान है और उसके हितों की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता हमारी है, क्योंकि हमारे स्कूलों के संचालन में अतिथि शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो जब विभाग ये मानता है कि अतिथि शिक्षक हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए उसको भी चिंता नहीं करना चाहिए। ये स्कूली शिक्षा मंत्री ने माफी मांगनी चाहिए। और कब्जा क्या होता है, आप व्यवस्था के अंतर्गत अतिथि शिक्षकों को रखते हैं, अपनी सेवाएं देते हैं। अगर सेवाएं लेना आप चाहते हो और फिर बाद में अपमानित करना चाहते हो, वो भी मंत्री मतलब सरकार का एक नुमाइंदा, यानी सामूहिक मंत्रिमंडल की जिम्मेवारी होती है एक मंत्री का वक्तव्य, ये क्या प्रदेश बना रहे हैं आप लोग? मैं मानता हूँ शिक्षा मंत्री को शिक्षकों से माफी मांगनी चाहिए।